नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ग्रिप में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर एक अनबॉक्सिंग लेके हाजिर हूँ, जो कि है एक पावर बैंक की अनबॉक्सिंग। ये पावर बैंक मैंने स्नैपडील से लगभग 1850 रुपये में मंगवाया है। ये पावर बैंक कूलेंट ब्रांड का है, जो कि एक इंडियन ब्रांड है। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल सभी से मिल जाएगा। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखेंगे और इसका रिव्यू जानेंगे कि कैसा है ये पावर बैंक। तो चलिए अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और जानते हैं कैसा है ये पावर बैंक। ये रहा है इसका इनवॉइस। इसको रख देते साइड पे। तो ये रहा आपका, देख सकते हैं कि आपका कूलेंट का पावर बैंक। ये यहाँ पे लिखा गया है कूलेंट की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है। अब हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 20,000 mAh की इसकी बैटरी है। वेट इसका 440 ग्राम का वेट मिलेगा आपको। है तो थोड़ा सा हैवी बाकी के मामले, लेकिन 20,000 mAh की बैटरी आपको मिलेगी। और ये इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है, ये एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कैसा है दिखने में। जी हाँ, यहाँ पे तो इसका आप देख सकते हैं प्राइस दिया गया है 3,499 रुपये, लेकिन इसको मैंने लगभग 2,000 रुपये के अराउंड ख़रीदा है स्नैपडील से। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं और जानते हैं इसका रिव्यू। साइड पे, जी हाँ ये रहा। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका पावर बैंक। काफ़ी हैवी है पावर बैंक, मेरी सोच से तो काफ़ी हैवी पावर बैंक है। चलो इसको रख देते साइड पे। और ये है कुछ इसमें पेपर वर्क, वारंटी कार्ड है। कुछ पेपर वर्क इसको करते हैं साइड पे और बीच में और देखते हैं क्या है इसमें। जी हाँ, एक चार्जिंग केबल मिलेगी आपको। ये आप देख सकते हैं चार्जिंग केबल है। इसको भी साइड में रख देते हैं और पावर बैंक को देखते हैं कि पावर बैंक कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कूलेंट की यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है। और आप देख नीचे तो इसका लिखा गया है कि 20,000 mAh की बैटरी है, बाकी मेड इन इंडिया लिखा गया है नीचे। तो एक बहुत अच्छी बात कि इंडियन ब्रांड का एक बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको टॉर्च मिलेगी। जब हम इसको ऑन करते हैं यहाँ पर टॉर्च आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दी गई है टॉर्च, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं आपकी बैटरी कैपेसिटी पता करने के लिए, यहाँ पे कितनी बैटरी कैपेसिटी रह गई है। और अगर हम इस टॉर्च को अगर ऑफ़ करना चाहें तो हम इसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें तो ये टॉर्च खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। अगर हम इसको 2 सेकंड के लिए फिर से दबा रखें या फिर से ऑन हो सकती है। ये देखिए, इस तरह से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं टॉर्च को। और यहाँ पे आपको याद देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, कितना ये फ़ोन चार्ज कर पाएगी। और अगर ये ब्लिंक करने लग जाए तो इसका मतलब कि आपकी बैटरी एम्प्टी होने लगी है, तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये पावर बैंक। बस इसका जो वेट है ये काफ़ी हैवी पावर बैंक है, तो कैरी करने में तो इतना आपको कम्फर्टेबल नहीं रहेगा। 440 ग्राम का इसका वेट है,
लेकिन ये फास्ट चार्जिंग है, आप इस पावर बैंक को भी फास्ट चार्ज कर सकते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी का, किसी अच्छी कंपनी का आप अडेप्टर ले सकते हैं, चार्जिंग अडेप्टर। और अभी मैं आपको बताऊंगा चार्ज करके। देख आपको मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग केबल जो साथ में इसकी आई है। हम इसको यहाँ पे ऐसे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी कूलनट की ब्रांडिंग दी गई है, यूएसबी केबल। आपको मैं अभी फ़ोन चार्ज लगा बताऊँगा, देखिएगा। जी देखिए ये फ़ोन चार्ज होने लग पड़ा है, फ़ोन चार्ज। जी हाँ ये देखिए, आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेटर शो भी कर रहा है कि कितनी इसकी बैटरी कैपेसिटी है, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, जो तीनों का बताएगा आपको पावर बैंक। और ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आराम से चार्जिंग कर रहा है। और ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स हैं, और ये सारे फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स हैं। और इस पावर बैंक का जो मॉडल नंबर जो मेरे पास है अभी, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसका मॉडल नंबर है CMPBSUN27। नीचे मैं इसका लिंक भी दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको आराम से बाय कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ऐसी ही कुछ वीडियोस पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।